90 करो। आशियाना इकबाल स्कैंडल, शहबाज शरीफ ने इख्तियारात से तजावुज किया, कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। नैब के एहतसाब अदालत में दलाइल, 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। शहबाज शरीफ के वकला की जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। कौम के 90 करोड़ रुपए बचाए, करप्शन करने वालों को रंगे हाथों पकड़ा। लुटेरे आपस में मिल गए, तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। एक धेले की करप्शन नहीं की, अपनी नींद और सेहत खराब करके आवाम के लिए काम किया। शहबाज शरीफ का अदालत के रूबरू मौकिफ। शहबाज शरीफ की पेशी, कमरा अदालत में शदीद रश और अफरा तफरी। जज नजमुल हसन को शहबाज शरीफ के वकला और नैब हुकाम को अपने चैम्बर में बुलाना पड़ा। गैर मुतलिक अफराद कमरा अदालत से बाहर चले जाएं, रश के बाइस समाप्त कैसे हो सकेगी। जज के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ के बाद कमरा अदालत में बुलाया गया और केस की समाप्त हुई। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ को बख्तर बंद गाड़ी में नैब ऑफिस से अदालत तक लाया गया। सिक्योरिटी के पेश नजर पहले खाली बख्तर बंद गाड़ी को एहतसाब अदालत दाखिल करवाया गया, जिसके बाद दूसरी बख्तर बंद गाड़ी लाई गई जिसमें शहबाज शरीफ मौजूद थे। कारकुनों की एक बख्तर बंद गाड़ी को रोकने की कोशिश, कई बख्तर बंद गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए। शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी। एहतसाब अदालत के बाहर धक्कम पे लीगी कारकुनों और पुलिस की हाथापाई। एक कारकुन बेहोश हो गया, ख्वाजा इमरान नजीर भी गाड़ी से गिर पड़े। समाप्त के बाद शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में वापस नैब ऑफिस पहुंचा दिया गया। वालिद और पार्टी कायद की पेशी, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी अदालत आए। राना सनाउल्ला, मरियम औरंगजेब, सायरा अफजल तारण, मलिक अहमद खान, मेयर लाहौर मुबशिर जावेद, डिप्टी मेयर नजीर सवाती, मियां मुर्तजा शुजाउर रहमान, समीउल्ला खान, ख्वाजा इमरान नजीर समेत नून लीग के दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत पहुंची। पुलिस ने कई कारकुनों को अदालती हदूद के बाहर निकाल दिया। सिर्फ हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को अदालत में जाने की इजाजत दी गई। शहबाज शरीफ पहले बख्तर बंद गाड़ी से उतरे, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट तक आए। लिफ्ट में बाल सवारे, फिर कदम बढ़ाए, जज के चैम्बर तक गए। चैम्बर में समाअत की मुखालिफत की और कमरा अदालत में आए। समाअत के बाद लिफ्ट का फिर लिया सहारा, नीचे उतरे, बख्तर बंद गाड़ी में बैठे। नैब हुकाम ने वापिस ठोकर न्याज बेग नैब ऑफिस पहुंचा दिया। एहतसाब अदालत के बाहर लोगों की भीड़, शहबाज शरीफ को अपने ही जानिसारों के धक्के लग गए। ओपोजिशन लीडर लड़खड़ाए, कुछ लम्हे के लिए तवाजुन भी खो दिया, फिर सहारा लेकर गाड़ी में सवार हो गए। शहबाज शरीफ को धोखे से गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई, नून लीग को दीवार से लगाएंगे तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। हुकूमत ऐसे इकदामात करेगी तो कारकुनों का रद्द अमल फित्री है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तमाम तर हालात की जिम्मेदार हुकूमत है, कारकुन एहतजाजी कॉल के बगैर पहुंचे उज्मा बुखारी। बहुत जल्द हुकूमत के मजीद से कारनामे आवाम के सामने आएंगे। शाइस्ता परवेज मलिक, एहतसाब अदालत के बाहर लाहौर न्यूज से गुफ्तगू।
नैब को इस्तेमाल कर रही है। राणा सनाउल्ला, जाली मैंडेट से बनने वाली हुकूमत अपने अंजाम की तरफ चल पड़ी है। सूबे को तरक्की देने वाले अवामी लीडर से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। ख्वाजा इमरान नजीर, शहबाज शरीफ ने कौम के अरबों रुपए बचाए। परवेज मलिक। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी। शहर में मुमकिन एहतजाज के बायस जिले इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दिया। ऑपरेशन बिला तफरीक होगा, हालात को मद्देनजर रखते हुए दोबारा शुरू किया जाएगा। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक। सानिया मॉडल टाउन पर दोबारा जीआईटी तश्कील देने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी तहरीक की दरख्वास्त पर फिरकैन को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत, एडवोकेट जनरल पंजाब, महकमा प्रोसिक्यूशन कानूनी हैसियत से मुतालिक जवाब दें अदालत। सानिया मॉडल टाउन के मुकदमा का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर करने की बजाय हफ्ते में दो रोज करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट को इस दगासा में सरकारी अफसरान को भी अदालत में तलब करने का हुक्म। जेआईटी की दोबारा तश्कील। अवामी तहरीक के सरबरा ताहिरुल कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश होकर दलायल दिए। जेआईटी ने अपनी मर्जी से यकतरफा शहादतें रिकॉर्ड की। हकूमती दबाव की वजह से हमारे गवाह पेश नहीं हुए। ताहिरुल कादरी, इस्तगासा जेरे समात है हो तो जेआईटी तश्कील दी जा सकती है या नहीं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इससे पहले भी मुख्तलिफ वाकयात में जेआईटी दोबारा तश्कील दी जा चुकी है। ताहिरुल कादरी का जवाब। साबिक कमिश्नर ओवरसीज पाकिस्तानी कमिश्नर अफजाल भट्टी ने सुप्रीम कोर्ट को तनख्वाहों की मद में हासिल की गई रकम वापस करने की यकीन दहानी करवा दी। अफजाल भट्टी अपना प्लॉट फरोख्त करके रकम जमा करवाएं और इसके बाद बैरूने मुल्क जा सकते हैं। चीफ जस्टिस, तिब्बी फजले से मुतालिक अजखुद नोटिस में पंजाब हुकूमत को फजले को ठिकाने लगाने के लिए जगह तामीर करने का हुक्म। मोहलत के बावजूद काम मुकम्मल ना किया गया तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस मियाँ साकिब निसार। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट, नेशनल बैंक और सुई सोर्दन गैस पाइपलाइन की टीमें पहले सेमीफाइनल में मुद्दे मुकाबल। दूसरा सेमीफाइनल वापडा और एसएनजीपीएल की टीमों के मुबैन खेला जाएगा।